अक्सर आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना हुआ होगा कि हमें अपने जन्म का वर्ष भी याद है, मास भी याद है और दिन भी याद है, लेकिन जन्म समय हमें नहीं पता। अब ऐसे में बिना जन्म समय के वो अपनी जन्म कुंडली कैसे बनवा सकते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं कि जन्मांक से आप कैसे अपना समय निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन 90% ये सही बैठता है। अब आपको बताते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं, उन्हें 12 भाव कहते हैं। लगन जो होता है प्रथम भाव होता है। यदि हम सूर्य को वहाँ रख देते हैं तो आपको, अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लगन में या प्रथम भाव में हो, तो आपका अनुमानतः समय, जन्म का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होता है। यदि सूर्य आपके 12वें घर में हो तो आपका जन्म समय सुबह 8 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक का है। यदि सूर्य 11वें भाव में हो तो सुबह 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक के बीच आपका जन्म समय है। सूर्य यदि 10वें घर में हो तो आपका समय दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का हो सकता है। सूर्य यदि 9वें घर में हो, नवम भाव में हो, तो आपका जन्म समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच का हो सकता है। सूर्य 8वें घर में हो तो आपका जन्म समय शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच का हो सकता है। सूर्य यदि 7वें घर में हो तो आपका जन्म समय शाम 6 से शुरू होकर 8 बजे तक हो सकता है। शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच का आपका समय हो सकता है। सूर्य यदि 6ठे घर में हो तो शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच का समय आपका जन्म का समय हो सकता है। सूर्य यदि 5वें घर में हो तो आपका जन्म समय रात 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच तक का हो सकता है। सूर्य यदि 4थे घर में हो तो मध्य रात्रि यानी कि रात्रि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का आपका समय हो सकता है। सूर्य यदि 3रे घर में हो तो रात 2 बजे से 4 बजे के बीच का समय आपका हो सकता है। और यदि सूर्य दूसरे घर में हो तो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच का आपका जन्म समय हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जन्म समय कौन से समय हुआ है।